हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को वीरे में इंटीरियर का लाइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं मैं। अगर आपको कोरोना में लाइटिंग चाहिए तो इसका ऑलरेडी मैंने लाइटिंग बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप वहां से देख सकते हैं इसका कोरोना वर्जन, और मैं इसे वीरे में बनाने वाला हूं आज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे मेरा विंडो है तो यहाँ से मैं सनलाइट लेता हूँ, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ऐसे कर्टन्स लगा था, मुझे कैसे अंदर से लाइट आएगा। तो सबसे पहले आपको वीरे सन लेना है, वीरे सन, ठीक है, इसको ऐस करना है ताकि ये इसका जो इन्वायरमेंट डिफॉल्ट है, स्काई जो आता है वो इसके इन्वायरमेंट में चला जाए। देन आपको यहाँ से ऑन करना है, देन स्पेकुलर ऑफ कर देना है, यहाँ पे इसको मैं 10 करता हूँ मैं ताकि मुझे स्मूथ शेडो मिले, यहाँ पे इसको 0.8, ठीक है। उसके बाद मटेरियल में जाना है, देन अभी आप देखेंगे जो हमने एस किया था पहले वो इन्वायरमेंट में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ये ओके है। यहाँ पे इसे मैं ऑन कर देता हूँ, अगर मुझे स्काई कुछ कम करना तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे 0.8 रखा मैं, अभी एक छोटा सरेंडर में यहाँ पे करके देख लेता हूँ मैं परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं साइज 100 कर देता हूँ ताकि मेरा रेंडर जल्दी हो जाए। देन आपको नेक्स्ट लेना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सपर्ट टू ऑल कर देना है आपको, यहाँ पे जाके वीरे बफर, और यहाँ पे एक छोटा सा रेंडर। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको और कुछ नया सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कर्टन से इसलिए लाइट आ नहीं रहा है, ठीक है। अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे इसे 1, जैसे हमें अगर ये यहाँ पे मैं कर्टन्स ओपन करता हूँ मैं तो इनसाइड लाइट आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको मैं ओपन, ठीक है, अभी इसको किस साइड रखना, जैसे मैं इस साइड यहाँ पे रखता हूँ मैं, इसे स्केल किया, देन इसे कॉपी किया और इसे भी यहाँ पे रखा और इस इंस्टेंस पे, देन इसे मैं स्केल कर देता हूँ और, ठीक है। ये सब तो चीट करना ही पड़ता है तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर फिर से लेता हूँ, उसे रेंडर में जाना, शो, रेंडर, ठीक है। ये अभी बेसिक जो होता है वो आ गया है, इसके आगे आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। इसको मैं स्टॉप करता हूँ मैं, देन आपको जैसे अभी मैंने क्या, अभी कैमरे में सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया है वीरे फिजिकल कैमरा, यहाँ पे आप देखेंगे शटर स्पीड दिया हुआ है फिल्म स्पीड, और यहाँ पे शटर स्पीड दिया, यहाँ पे 200x200 है, तो मैं इसको यहाँ पे 100 कर देता हूँ। देन आपको रेंडर मानना है, ठीक है। अभी और ये ब्राइट हो गया है, अभी इसके लिए आपको 0.8 10 कैमरा सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे 50। अगर यहाँ पे आप अगर शटर स्पीड में अगर नहीं खेलते उससे क्या होगा कि आपको समझ लो लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी से मैंने शटर स्पीड में यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने 50 के यहाँ पे बर्न आउट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अंदर आने का सोर्स सिर्फ एक ही विंडो और एक हाफ विंडो है, इसके लिए इतने लाइटर है, बाकी मुझे ना इंटरनल लाइटिंग करना पड़ेगा अभी। देन इसके बाद यहाँ पे इसे 50 किया तो मैं स्टॉप करता हूँ, इसे 60,
देन अभी मुझे इंटरनल लाइटिंग करना है, तो इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे क्या वीरे लाइट्स सेलेक्ट किया, आपको लेफ्ट में आना है, मेरा विंडो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक लाइट, ठीक है, टॉप में गया, यहाँ से इसे अंदर की तरफ देना है लाइटिंग, यहाँ पे इसे ऑन है 30, डिवाइस में गया यहाँ पे इनविजिबल, ठीक है, मुझे स्पेकुलर नहीं चाहिए, सिर्फ डिफ्यूज लाइट चाहिए उसका, देन यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं इंस्टेंस पे कॉपी करता हूँ ताकि एक का इंटेंसिटी बढ़ाओ, दोनों का हो जाए, इसको स्केल कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम यहाँ से रेंडर करके फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं परफेक्ट आए कि नहीं, देन यहाँ पे आएगा वीरे बफर, राइट क्लिक करेंगे, उसको रेंडर किया, ठीक है। और यहाँ पे ना एक्सपोजर दिया, अगर आपको यहाँ से भी करना है, समझ लाइटिंग में आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से भी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं मतलब आपको कितना चाहिए, आप यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट करना है, ब्राइटनेस करना है, तो फिलहाल हम ट्राई करना है, जितना ट्राई करो आपकी लाइट से ही हो जाए। अभी मैं इसे यहाँ पे फिलहाल से ऑफ करता हूँ मैं, अभी इंटरनल लाइटिंग करना है मुझे, देन यहाँ पे जो दिया हुआ लाइट इसको 50 100, देन अभी इंटरनल जो है मुझे यहाँ पे आईएस लाइट ऐड करना है, अभी यहाँ पे गया फ्रंट में गया, मुझे लेना है वीरे आईएस, देन यहाँ पे टारगेट ऑफ कर देता हूँ मैं ताकि इजली मैं यहाँ पे बिठा सकूँ, सिलेक्ट किया, देन आईएस सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आई एस फाइल, यहाँ पे आई एस फाइल रहेगा, आपको ये आई एस फाइल यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे आई एस फाइल ले लिया है आगे, ठीक है। अभी इस लाइट को हर जगह जहाँ पे मेरे को रखना है, जहाँ पे स्पॉट लाइट है वहाँ पे मैं रख दूंगा, बाद में इसकी इंटेंसिटी के साथ में हमको कम ज़्यादा करना है तो आपको परफेक्ट लाइटिंग मिल जाएगा। कॉपी करना है यहाँ पे, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो इन्वायरमेंट से लाइट आ रहा है आप उसको डोम लाइट से भी कर सकते हैं, आप डोम लाइट डाल के भी उसके इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी यहाँ पे जैसे कलर आता है ऑप्शन में टेम्परेचर करके, यहाँ पे जैसे मुझे जो चाहिए 5000, तो इतना मैंने रख दिया है, सब डिवीजन 16 बराबर है। यहाँ पे जो पावर है, अभी एक मैं रेंडर मार के चेक कर लेता हूँ पहले, अगर परफेक्ट नहीं है तो उसका जो पावर है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, देन रेंडरिंग में जाना है शो, ठीक है, यहाँ पे मैं रेंडर, ठीक है, अभी मुझे इंटरनल लाइट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, देन आई सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है, अभी यहाँ पे कितना है 4850 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1000, देन रेंडर, और यहाँ पे जो दिया यहाँ पे हम लोग मैप लगा सकते हैं, फोटोशॉप में भी लगा सकते हैं और मैक्स में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दो लैंप हैं, ये लैंप के अंदर भी हैंगिंग लैंप है, यहाँ पे भी लाइट डाल देना है, यहाँ पे डालना है वीरे स्पेयर लाइट डालना है, ठीक है। अभी इतना हो गया, अभी जैसे अभी मुझे एक्सपोजर बढ़ाना है तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, ऐसा मुझे इतना चाहिए लाइट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मुझे मतलब बाहर से लाइट और आना चाहिए,
तो उसके लिए मैं बाहर के जो प्लेन है उसको मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे 6,000 है तो यहाँ पे 7,000, ठीक है, ये हो गया। और बाहर से जो लाइट आया ये, तो यहाँ पे जैसे 100 है तो मैं यहाँ पे 200, और इसकी इंटेंसिटी 0.5 भी यहाँ पे रेंडरिंग करना है। अभी आप देखेंगे मुझे जो बाहर से जितना सोर्स चाहिए था उतना आ गया यहाँ पे। देन अभी जैसे यहाँ पे कुछ पार्ट्स जल रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो बाहर का यहाँ पे जो सोर्स है स्काई का, उसकी वजह से वो जल रहे हैं, ठीक है। एक आपने स्काई से किया, बाद में से आपको डोम से करना, आप डोम से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, स्टॉप रेंडरिंग, देन आपको ये लाइट सेलेक्ट किया मैंने, आइसोलेट किया, इसके अंदर वेरी लाइट, ठीक है। बाद में प्लेन में जाके आपको सिलेक्ट करना स्पेयर, देन लाइट सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसके अंदर रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसे यहाँ पे टेम्परेचर देता हूँ मैं 3,500, और यहाँ पे 200, ठीक है, जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट है। देन इसी को कॉपी करके यहाँ पे इंस्टेंस पे आपको रखना है, ताकि एक का इंटेंसिटी अगर कम ज़्यादा करते हैं तो दोनों को हो जाए, क्योंकि हैंगिंग लो जो लैम्प है ये सेम है, ठीक है। राइट क्लिक किया वीडियो बफर, अभी यहाँ पे मैं एक रेजर रेंडर, देन स्टार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न है, मुझे या तो इंटेंसिटी बढ़ाना होगा या फिर मुझे IS लाइट वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट लाइट, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1,000, आप कभी यहाँ पे देखें लाइट आ गया। आप कभी भी लाइटिंग करें तो आप क्या करें, छोटा रेंडर लेके रीजन रेंडर करके सेलेक्ट करके आप रेंडर करते रहिए। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आप इंटरेक्टिव रेंडर मार के चेक कर सकते हैं, तो वो भी बेटर है। यहाँ पे आया ये, ठीक है, और मुझे लाइट थोड़ा और चाहिए, तो देन इसको मैं सेलेक्ट किया थोड़ा नीचे, ठीक है। लाइट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसका जो रेडियस है, रेडियस थोड़ा बड़ा कर देना है, देन यहाँ पे मैंने 1,000 है तो 1,500, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक मैं रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया यहाँ पे। और इसमें क्या, जैसे भी लाइट यहाँ पे दिख रहा था बस मैं इसको अंदर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे वाला, ये परफेक्ट है। अभी यहाँ पे देखिए जैसे कर्टन्स बहुत बर्न आउट हो रहा है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइट दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे एक्सक्लूड करना होगा ये ऑब्जेक्ट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे कर्टन जैसे बर्न आउट हो रहे हैं, सिलेक्ट किया,
मिसेस दोनों को सिलेक्ट है। यहाँ पे ग्रुप डिटेच करता हूँ, यहाँ पे ग्रुप है इसको 01, ठीक है। इस लाइट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे आने ऑप्शनल में, इसके अंदर जाना है आपको, देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है 01, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन, इसको अंदर ले लिया, यहाँ पे ओके किया, ठीक है। अभी इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, ये कर्टन जलेगा नहीं उतना, जो लाइट का इंटेंसिटी उसके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है, जो जल रहा है, कर्टन बर्न नहीं होगा। इस रीजन को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, रेंडर, ये देखिए जो पहले जल रहा था ना अभी वो जल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये, देखिए यहाँ पे जल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे जो अल्फ़ा में निकल जाएगा तो मैं अल्फ़ा में वहाँ पे इमेज डाल दूँगा, फोटोशॉप में कैसे करना है वो भी बता दूँगा आपको। जो मेरा कोरोना का जो रेंडर है वो कोरोना के रेंडर में क्या दिया हुआ कि मतलब मेरे ये जो विंडो है, विंडो में पूरा कर्टन से हम लोग वो भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे स्काई वाला रख रहा हूँ, मैं कैसे करना है आपको भी बता दूंगा मैं। देन ये इसमें ऑलमोस्ट सब ओके है, ये मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं स्पेकुलर नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको यहाँ पे सब डिवीजन जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ सन का, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और है, जैसे अभी लाइटिंग तो हो गया है, आपको रेंडर जो सेटअप, आपको सेटअप बता देता हूँ क्या करना होता है। रेंडर सेटअप में जाना है आपको, ठीक है, वीरे में, देन यहाँ पे प्रोग्रेसिव रेंडर आप उसको बकेट कर देना है, ठीक है। 1:24 है यहाँ पे, तो मैं अगर मुझे जल्दी रेंडर चाहिए तो मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 22, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। देन 0.95, ये जो था बर्न वैल्यू, जैसे कुछ वाइट पार्ट ज़्यादा बर्न आउट हो रहा है उसके लिए यूज आता है वो। नहीं, आपको GI में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेडियंस मैप, यहाँ पे सेकेंडरी बाउंस जैसे 95, कोई कलर बाउंस होता तो बाउंस नहीं होगा, यहाँ पे 16, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, मीडियम करना है इसको 60, इसको 40, देन यहाँ पे मैं इसे 300, ठीक है, ये हो गया। बाद में सेटिंग में आना है, यहाँ पे मुझे करना टॉप टू बॉटम करना है, डायनेमिक मेमोरी जो होता है आपका रैम, मेरा 32 GB है तो 32,000, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सब कोरोना का डाला हुआ, इसको डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या क्या ऐड करना हो बताता हूँ मैं। एक अल्फ़ा ले लेना है आपको, डी नॉइजर ले लेना है, वीरे लाइट ले लेना है, देन आपको सिलेक्ट करना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, देन स्पेकुलर शैडो, देन आपको लेना है वायर कलर, ठीक है। फिर बाद में आपको डी नॉइजर को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आके आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर आप स्ट्रांग रखते हो तो यहाँ पे देखिए आप जो स्ट्रेंथ अमाउंट दिया है 2 दिया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखूँगा जो 1 होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अभी मैं इसे रेंडर पे हिट करूँगा, यहाँ पे मुझे अमाउंट देना है 1080, ठीक है, जो HD साइज होता है 1920x1080 होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी मैं इसे फाइनल रेंडर के लिए हिट करूँगा, आपको डायरेक्ट रेंडर करना है। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अभी यहाँ पे ये रीजन, ऑलरेडी मैंने रीजन सेलेक्ट किया था इसलिए रीजन ही हो रहा है, ये स्टॉप किया। यहाँ पे रूम आके रीजन, देन इसको यहाँ से कैंसिल करना है, नहीं तो ये रीजन ही आता है। अभी इसको मैं यहाँ पे करूँगा व्यू करूँगा, ठीक है, व्यू चला गया। अभी फिर रेंडर,
ठीक है, अभी ये ओवरऑल रेंडर हो रहा है यहाँ पे। देन आपको अगर यहाँ से एक्सपोजर कुछ बढ़ाना, देखें एक्सपोजर बढ़ाना है कम ज़्यादा करना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसे कम करना आप कम कर सकते हैं, इसको फोटोशॉप में आप इन्हांस कर सकते हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर आपको वाइट बैलेंस का कुछ करना है, आपको चाहिए जैसा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसे। इसको ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, ये वीरे नेक्स्ट है और वीरे फाई के वीडियो मेरे चैनल्स पे है। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज।